मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 ऑफ क्लास सिक्स तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ द मेज़र ऑफ अ राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल हमने मेज़रमेंट बतानी है कि राइट right एंगल की मेज़रमेंट कितनी होती है और स्ट्रेट एंगल की मेज़रमेंट कितनी होती है तो राइट right एंगल की मेज़रमेंट हमारे पास होती है राइट right एंगल की मेज़रमेंट को हम किसके एंगल को हम बोलते हैं कि राइट right एंगल है वो 90 डिग्री के एंगल को और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है हमारे पास 180 डिग्री तो इसका मतलब जो राइट right एंगल की मेज़रमेंट होगी वो होगी 90 डिग्री और स्ट्रेट एंगल की जो मेज़रमेंट होगी वो होगी 180 डिग्री सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स द मेज़र ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन नाइन्टी एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या है एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जिनकी मतलब कि मेज़रमेंट नाइन्टी से कम होती है मतलब कि नाइन्टी से जितने भी छोटे एंगल्स हैं वो कौन से होंगे एक्यूट एंगल तो वो सही कह रहे हैं तो दिस इज़ ट्रू नेक्स्ट इज द मेजर ऑफ एन अप्यूज़ एंगल लेस देन नाइन्टी जब एक्यूट एंगल नाइन्टी से लेस देन हो गया तो ऑब्टूज एंगल तो हो ही नहीं सकता तो ऑब्ट्यूज़ एंगल कैसा होगा नाइन्टी से बड़ा होगा तो ये क्या है रॉन्ग है द मेजरमेंट ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन वन एटी जो रिफ्लेक्स एंगल की मेज़रमेंट होती है वो वन एटी से ज़्यादा होती है ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल जो वन एट्टी का ही होगा वो तो होगा स्ट्रेट एंगल जो उससे ज़्यादा आ जाएगा वो होगा रिफ्लेक्स एंगल नेक्स्ट इज़ द मेज़रमेंट ऑफ वन कम्प्लीट रिवोल्यूशन जो हमारा कम्प्लीट रिवोल्यूशन होता है मेज़रमेंट का एंगल जो हमारे मतलब कि इस तरह से होते हैं मान लीजिए ये सर्कल हो गया आपके पास तो ये सर्कल आपको दिखाया गया है तो इसकी एक एंगल की मेज़रमेंट नाइन्टी दूसरे की भी नाइन्टी थर्ड भी नाइन्टी एंड फोर्थ भी नाइन्टी ये हमारे पास क्या होता है रिवोल्यूशन लगा लो इसको या फिर एक क्वाड्रेंट लगा लो ये आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे क्वाड्रेंट का जो मेजरमेंट होता है वन क्वाड्रेंट इज़ नाइन्टी डिग्री फिर नाइन्टी डिग्री नाइन्टी नाइन्टी तो फोर का रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा ये थ्री सिक्सटी डिग्री ओके नेक्स्ट इज़ कह रहा है कि एंगल ए इज़ फिफ्टी थ्री डिग्री एंड एंगल बी इज़ थर्टी फाइव डिग्री तो क्या एंगल ए एंगल बी से बड़ा है यस फिफ़्टी थ्री बड़ा है थर्टी फाइव से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राइट डाउन द मेज़र ऑफ द सम एक्यूट एंगल्स छोटे एंगल बताने हैं नाइन्टी से छोटे तो कोई भी एंगल आप कर सकते हो मैंने ट्वेंटी थ्री और एटी नाइन लिए हैं आप कुछ भी ले सकते हो बस नाइन्टी से लेस देन होने चाहिए सम सम्यूज़ एंगल कोई भी ट्यूज़ लेने हैं नाइन्टी से बड़े होंगे और वन एटी से छोटे होंगे ठीक है आई होप कि ये आपको क्लियर हो गए होंगे नेक्स्ट इज राइट डाउन द मेजर सॉरी तो मेज़र द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर आपने प्रोटेक्टर लेनी है अपने डी लेनी है और इन एंगल्स को मतलब कि बुक के अंदर ही मेज़र करना है और इनकी मेज़रमेंट लिख देनी है कि कौन सा एंगल कितने कितने डिग्री का आया है ये सब आपको खुद करना है ठीक है नेक्स्ट इज विच एंगल हैज़ अ लार्ज मेजर ये भी सेम एज इट इज़ आपको प्रोटेक्टर से एंगल एंगल मेजर करना है जो बड़ा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा पहले एंगल ए की मेज़रमेंट लिखनी है फिर बी की लिखनी है जो बड़ा है वो बताना है थर्ड भी ऐसा ही है सिक्स भी आपका क्वेश्चन नंबर दोनों एंगल्स मेज़र करने हैं और बताना है कि कौन सा कौन सा एंगल बड़ा है ठीक है नेक्स्ट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट और टू राइट और स्ट्रेट एन एंगल हुज़ मेजर इज लेस देन दैट ऑफ राइट एंगल इज़ जो एंगल राइट एंगल से छोटे होंगे उनको हम क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल ठीक है एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अर राइट एंगल इज़ जो बड़े होंगे उनको हम क्या बोलेंगे ऑप्टी एंगल क्लियर नेक्स्ट एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल हमने दो राइट right एंगल का सम कर दिया ये हमारे पास कितना गया वन एट्टी डिग्री तो दैट इज़ स्ट्रेट एंगल तो वैन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज़ दैट ऑफ राइट एंगल दैन वन ऑफ दैम इज़ एक्ूट वो कह रहा है कि मतलब कि दो एंगल्स का सम करेंगे जब तो राइट एंगल राइट एंगल होगा एक और दूसरा एक्यूट होगा तभी मतलब कि क्या बनेगा वो दो एंगल किस मतलब कि जो सम होगा वही हमारे पास मतलब कि हमने दो एंगल का सम बताना है कितना करना है राइट एंगल बनाना है तो फोर्टी फ़ाइव प्लस फोर्टी फाइव तो ये क्या है दोनों एंगल एक्यूट हैं ठीक है नाइन्टी से छोटे हैं या हम क्या लेंगे सिक्सटी प्लस थर्टी ले लेंगे तब भी क्या होंगे दोनों एंगल एक्यूट होंगे और अगर हम मान लीजिए सेवेंटी लेते हैं और प्लस ट्वेंटी कर देते हैं तो तब भी कितने है? एंगल कितने कितने होंगे मतलब कि एक्यूट ही होंगे नेक्स्ट इज व्हेन द सम व्हेन द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल वन ऑफ दैम इज़ एक्यूट एक एंगल एक्यूट है तो उसको हमने क्या करेंगे कि ऑप्ट्यूज स्ट्रेट एंगल बनाने के लिए जैसे मान लीजिए कि आपने स्ट्रेट एंगल बनाना है तो वन एटी तक आपने पहुँचना है तो एक तो आप ट्यूज लोगे आप वन एट वन टेन ले लिया आपने और एक एंगल कैसा आएगा एक्यूट आएगा वन टेन में सेवेंटी ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा वन एट्टी वन ट्वेंटी का लोगे तो आप जैसे सिक्सटी ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा वन एट्टी ये थी आपकी एक्सरसाइज फाइव पॉइंट थ्री ठीक है सॉरी फाइव पॉइंट फोर तो आपको ये एट और नाइन क्वेश्चन नहीं करना है तो आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी ठीक है थैंक यू सो मच